धीरे धीरे तो सब बड़ा है ना, ये तुम्हारा दामाद है, कम से कम पांच छह तुम्हारा दामाद है। कौन नियम में लिखा है डीपीएलआर से जमीन तुमने लिया था बोकारो इस्पात नगर का निर्माण करने के लिए, लिया था कि नहीं? हरी मोहन झा सर अगर हमारा आवाज सुन रहे हैं, अगर ये डिपार्टमेंट यहाँ हमारा आवाज सुन रहा है तो ये बात बोलिए, डीपीएलआर के माध्यम से बिहार सरकार को ये जमीन दिया गया था कि यहाँ पे कल कारखाना होगा, सेक्टर होगा, एयरपोर्ट होगा, और ये जमीन पूरा सुरक्षित रखने का भार यहाँ का डीए डिपार्टमेंट को दिया गया था। क्या उसने ये काम किया? किसने ये काम किया है? तो वो नियम कहाँ गया? वो नियम कहाँ गया जो यहाँ पे पूरा झोपड़ी बन गया है, पूरा खटार बन गया है? आज बीएसएल का जो भी अधिकारी है, बीएसएल का जो स्टाफ है, आज उसके क्वार्टर में पानी नहीं जाता है। शर्म नहीं लगता है आपको? इतना बड़ा केयर डिपार्टमेंट, इतना बड़ा विजिलेंस, इतना बड़ा होमगार्ड सिर्फ पैसा लेने के लिए है। आपको नहीं मालूम है आपका हजारों क्वार्टर अतिक्रमण हो चुका है? किसके बाप के अधिकार से क्वार्टर का ताला तोड़ा जाता है? किसका बाप है, किसका बेटा दामाद है जो उस क्वार्टर में रहता है? क्यों नहीं आप खाली कराते हैं? अगर आप नहीं खाली करा सकते हैं तो जिला प्रशासन का मदद लीजिए। क्यों नहीं मदद करते? ये नियम कहाँ का है? सारा नियम भी स्थापित के लिए है। हाँ, पूरा 19 गांव को आप ग्रीन जोन में घोषित कर दिए हैं, ना उसको नगर निगम में रखे हैं, ना पंचायत में रखे हैं। कहाँ का नियम है? कौन सा गुना किया 19 गांव जो आपका प्लांट को अपना छाती में बैठाने का काम किया, उसको आप नगर निगम नहीं, पंचायत नहीं, पाकिस्तानी बना के रख दिए हैं? क्या गुना किया? और ये बोध महारानी यादव के सामने खटा जो बना है वो किसके बाप के आदेश से बना है? क्यों नहीं उस पर जांच होता है? तुम्बी बाजार खटाल पूरा बना है, किसके आदेश पे बना है? क्यों नहीं आप हटाने का काम करते हैं? हजारों हजारों करोड़ का नुकसान बीएसएल मैनेजमेंट को लाइन का चोरी से होता है। आज बीएसएल के क्वार्टर में वोल्टेज नहीं जाता है, आज बीएसएल के क्वार्टर में लाइन नहीं जाता है, पानी नहीं जाता है, और एक भी स्थापित अगर हमारा जिसका बाप का जमीन है अगर वो दुकान लगाने जाता है तो पूरा प्रशासन अपना ताकत वहां लगा देता है उसको खाने में। तुम्हारा दामाद है हरी मोहन झा सर, आपका दामाद है। जितना टीए डिपार्टमेंट का होमगार्ड है इनका 60-60 से क्वार्टर चलता है और सारे अफसर को पैसा ले लेके क्वार्टर खुद ही लोग लगाने का काम करता है। यहाँ का टीए डिपार्टमेंट सबसे भ्रष्ट डिपार्टमेंट होगा पूरा बोकारो स्टील प्लांट का है। ये नियम कहा नहीं गया? ये नियम क्यों नहीं बताया? आप ये नियम लिख के दीजिए कि यहाँ अतिक्रमण करने का अधिकार है, यहाँ झोपड़ी बनाने का अधिकार है, यहाँ खटाल बनाने का अधिकार है, आप नियम दीजिए। आज हमारे भाड़ा में आपको शर्म नहीं लगता है? बीएसएल मैनेजमेंट जाके पानी काटने का काम करता है और तुम्हारा करोड़ों एकड़ पानी यहाँ का दुकानदार, यहाँ का जो गैर विस्थापित है खटाल पानी भैंस में डोबला है, जो पानी पीने के लिए पूरा झारखंड तरस रहा है, सर माना चाहिए उस पानी से यहाँ का खटाल भैंस धोने का काम करता है। आज के सामने अपना घर बन रहा है, अभी अब जाइए डैम के स्विमिंग पूल के किनारे नया आस पास घर बन रहा है। मैंने खुद यहाँ के पर्सनल जो यहाँ के जो सीजीएम है उनको फोटो खींच के पोपली साहब को देने का काम किया और मेरा व्हाट्सएप देखने के बाद कोई जवाब नहीं दिया है। समाज है तुम्हारा, ये कहाँ का नियम है? जब इतना तो नियम तोड़ सकता है, लाइन ले सकता है, बीएसएल का पानी तोड़वा सकता है, बीएसएल का कनेक्शन खोलवा सकता है, तो हम लोग भी स्थापित जो यहाँ का बाप दादा का जमीन दिया है तुम नियोजन क्यों नहीं दे सकता है? कौन नियोजन नहीं दे सकता है? आज उड़ीसा में हमने कागज दिया आपको कि उड़ीसा में जो वैकेंसी निकला उसमें बोला कि उड़िया लैंग्वेज उसको आना चाहिए। बोकारो स्टील प्लांट, भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर, ये सारा प्लांट सेंट्रल का है, लेकिन वहाँ का विस्थापित उसका हक अधिकार के लिए वो मैनेजमेंट को इतना पावर दिया है कि आप कहो तो वहाँ का कुछ नियम बना के बाहरी लोगों को रोकने का काम कर सकते हैं। उड़ीसा में किया, उड़ीसा में बोला कि अगर आप उड़िया लैंग्वेज अगर आप नहीं जानते हो तो अगर आपका ज्वाइनिंग भी अगर होता है तो उसके बाद आपको हटाने का काम मैनेजमेंट करेगा, तो फिर यहाँ खोटा क्यों नहीं चलेगा? क्यों नहीं बोकारो में इंटरव्यू में खोटा लैंग्वेज आप लगाते हैं? क्यों नहीं बोकारो में खोटा चलेगा? सारा नियम सिर्फ हम लोग के लिए, विस्थापित को तोड़ने के लिए, विस्थापित को नियोजन नहीं दे सकते हैं, विस्थापित को दुकान नहीं दे सकते हैं, विस्थापित को ठेकेदार नहीं बना सकते हैं, विस्थापित को खाली हाजिरी खटा सकते हैं। बाप का जमीन है तुम्हारा, बाप का प्लांट है तुम्हारा, सारा नियम कानून हमारा, हमारा जमीन, हमारा प्लांट, हमारा लोग सिर्फ यहाँ पे ठेका मजदूर खटने के लिए
क्यों नहीं हम ठेकेदार बनेंगे, क्यों नहीं हम डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे? वो क्षमता हमारे में है, लेकिन वो मौका देना नहीं चाहते। और एक नियम का बात करते हो, आज तक जो भी अप्रेंटिसशिप का एग्जाम हुआ है, जब से तुम्हारा प्लान चला है, हरिमोहन झा सर आपसे बोल रहे हैं, आप सारा क्वेश्चन पेपर लेके टेबल में बैठिए और इस साल 2023 का क्वेश्चन पेपर टेली कराइए। अगर 10% भी क्वेश्चन लग गया तो हम नियोजन नहीं लेंगे। पर्सनली मैं सारे दौरान को छोड़ के चला जाऊंगा, जान बुझ के ग्रुप डी का बोल के ग्रुप ए का एग्जाम लिया, वो भी झारखंड ग्रामीण बैंक का पीटी नहीं, मेंस लेवल का एग्जाम लिया, ताकि यहाँ का विस्थापित एक भी पास नहीं होगा और बाहर से लोग आएंगे, यहाँ से वैकेंसी लेके यहाँ पे रोजगार करेंगे और बार बार हम लोग यहाँ पे आके खिचड़ी खाएंगे। बाप दादा ने समझ लिया है, हमारे बाप दादा ने कोई गुनाह नहीं किया था। आज भी असम मैनेजमेंट का पूरा जिम्मेदारी है कि तुमने अतिक्रमण कराया है, ऐसे अवसर पे तो पूरा जांच होना चाहिए, उसका संपत्ति उसका आने वाला 7 पीढ़ी को खत्म कर देना चाहिए। आज भी असम में 60 गांव से इतना खटाव होना है, आज इतना झोपड़ी होना है, इतना गुंडागर्दी चलता है खटाव का कि एक कोई अधिकारी अगर कोई गाड़ी पे अगर फाइन से टकरा जाए उसको जान से मारने में पीछे लोग नहीं हटते। क्या करता है जिला प्रशासन? अगर तुम्हारा औकात नहीं है, अगर नहीं तुम संभाल पा रहे हो तो जिला प्रशासन को दो। आज राज्य सरकार इतना बड़ा झारखंड को चला रहा है, किसी माई का लाल मौका नहीं है कि एक टोका लगा दे। कोई लगा सकता है टोका तो बोलिए, नहीं लगा सकता है। और तुम्हारे आपके सामने पूरा ए रोड बी रोड हम कुंती बाजार लाइन खटाल को तब्दील कर दिया गया खटाल में, उसके लिए नियम नहीं बना। कौन नियम?